वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो यार आज मैं जा रहा हूँ अपने भाई गांव मंडी बहावलदीन। तो सुन, निकलना सुन, मैंने 10 बजे था, अभी दिन के 2 हो गए, जो घड़ी पे टाइम है वो गलत है पीछे। तो असल में ना मैं रात को क्रिकेट खेलने चला गया फिर से, और सहरी के बाद आया तो फिर नहीं जागने हुआ। तो यार अभी निकलूंगा, अभी मैंने उठ के नहाना है, फ्रेश होना है, और अभी पैकिंग भी सारी करनी है, 1-2 काम और भी है। मेरा इरादा है 3 बजे तक निकलने का, तो जल्दी से उठ के नहाता हुआ करूँ। आप ये वीडियो देखें कल रात के आउट किए हैं जो मैंने, तो मैं इतनी देर में नहा के आता हूँ। वन सेकंड, आई बॉलर एंपायर साइड और क्रॉस किया, उम्दा बॉल, और क्रॉस किया, उम्दा बॉल, वन सेकंड बॉल एंपायर क्रॉस किया, ओ बॉल कर दिया, बॉलर बॉल के निशान से एंपायर को क्रॉस किया, ओ बॉल कर दिया। अच्छा यार मैं तो हो गया रेडी अब, तो अभी ये समेटते हैं, ये सबसे पहले शूज समेटते हैं ना यार। ये वाले जो है ना, ये वाले 2 ये गंदे हैं ना, इनको जरा डालता हूँ शॉपर में, ये तो मैं पहन के जाऊंगा, बाकी ये सारे डालते हैं अटैची में यार चीज। अच्छा यार अभी ना हम लोग निकले हैं चकवाल से, तो अभी हम रास्ते में, अभी चकवाल में ही हैं तकरीबन, क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी रुकते हैं कहीं पे, अफ्तारी का सामान वगैरह लेते हैं, हो सकते हैं अफ्तारी हमें रास्ते में ही हो जाए, ओ सॉरी, हाँ अफ्तारी, तो अभी उसके लिए कोई थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेते हैं। उम्मीद तो है घर पहुँचेंगे, लेकिन फास्तन ले लेते हैं चीज़ें। तो यहाँ से जी डलवाना पेट्रोल और फिर निकलेंगे आगे, तकरीबन चकवाल ख़त्म ही हो गया, अभी आगे दूसरे इलाके स्टार्ट हो गए। असली है क्या? नहीं बात, चलें जी अल्लाह का नाम ले, और आप सीधा सीधा जाके आप सुहावा ब्रेक लगानी है, प्रेशर चेक कराने। चलो जी, बंदे ही कोई नहीं बैठा, यहाँ जी हवा वगैरह चेक कराते हैं, बस फिर ये बस पेट्रोल भी हो गया, प्रेशर भी बस चेक हो गया, अब सीदा इंशाल्लाह कहीं ब्रेक नहीं लगनी है, इधर अफ्तारी के लिए कोई चीज़ ले लेंगे और फिर सीधा इंशाल्लाह मंडी। यार अभी मैं फ्रूट लेके आया हूँ, केला इन्होंने 350 रुपये दर्जन दिया है, और जो स्ट्रॉबेरी है वो भी इतनी महंगी दी है, पता नहीं वो भी 300 थी शायद किलो। यार रमज़ान का भी नहीं ख्याल है इनको, रमज़ान में यार बाकी सारे मुल्क सस्ती चीज़ें करते हैं, महंगा बाकी सारे सस्ती करते हैं, और हमारा पुट्ठे ही निज़ाम चल रहा है। शुरू में तो केला रमज़ान में शुरू करो तो 500 से ऊपर था, अभी तो वो जो बाइकआउट हुआ उससे बड़ा फ़ायदा हो गया, तो बाइकआउट जारी रखे सब, हमारी तो मजबूरी थी वरना फ्रूट का बाइकआउट जारी रखे। अभी ये वाला रोड सीधा यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर सीधा सुहावा जाएगा, सीधा सीधा बिल्कुल रोड, और कारपेट रोड है। एक वक्त था जब ये रोड ऐसा था गुजरा भी नहीं जाता था यहाँ से लेके पिंडी तक। हम पहुँच चुके हैं सुहावा, ये वाला लेफ्ट साइड पे इस्लामाबाद का रोड जाता है सीधा पिंडी इस्लामाबाद, और ये इस साइड ये सारा जेलम रोड, और हम लोगों ने जाना है जी इस तरफ जेलम वाली साइड। अभी इधर चेकिंग हुई है, कौन सी जगह? जेलम वाली साइड पे ना, दीना हाँ, इस टोल प्लाजा के पास। इतनी सख्त चेकिंग किस बात की हो रही है? अच्छा चर्स भी पकड़ी हुई है एक गाड़ी से, किसी ने चर्स नीचे फेंकी हुई थी, माचिस की डब्बी में ना चर्स नीचे फेंकी हुई थी, गाड़ी खुलवा के, डिग्गी खुलवा के, अटैची खुलवा के, कपड़े निकाल के, अंदर बर्तन पड़े थे वो निकाल के, दरवाजे वगैरह खोल के, हर चीज़ चेक हुई है। अभी जी इंशाल्लाह घंटा सवा घंटा हमें लग जाएगा घर तक, अफ्तारी इंशाल्लाह घर ही करेंगे। ये दोस्ती
पूछा यार अहमदाबाद की बर्फी किस किसने खाई है। मैंने भी अभी पिछले दिनों ट्राई किया है, इतने मजे की बर्फी है ना, अगर किसी ने नहीं की तो लाजमी करे। अभी गुजरांवाला का वैसे वो ब्रांड है, अभी पिंडी इस्लामाबाद में भी उसकी काफी ब्रांच वगैरह ओपन हो गए, तो अभी हम ना दीना क्रॉस करके आगे जेलम जा रहे हैं आगे, तो जेलम से पता करते हैं शायद हो वहाँ पे, अगर मिल गई तो ले लेंगे, बहुत मजे की है, लाजमी ट्राई करें सब। खुश्क दरियाए झेलम, ये रोड जाता है जी हमारे गांव की तरफ, यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे गांव है नहर के साथ साथ, ये नहर आगे मंडी तक जाती है। आगे रोड बड़ा खराब है, रोड बड़ा खराब है यार, इतना कोई खूबसूरत नज़ारा आ रहा है ना यहाँ से, सामने सूरज आए हुए, साइड पे नहर है। एक बात है, बाकी पूरा पाकिस्तान एक तरफ, ये वाला हमारी वाली साइड मंडी वाली साइड एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं, तो बस अभी यहां से 2-3 मिनट की रास्ता है, ये मेन रोड है, अंदर साइड पे गांव वाला मोड़ है। तो यार इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, बस अफ्तारी में ही 5-10 मिनट ही रह गए, मैं भी जाके अफ्तारी करता हूं, आप लोग भी करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।